क्या आप चाहते हैं आपका भी हर वीडियो वायरल हो? क्या आप चाहते हैं आप भी सीधा बिगिनर लेवल से प्रो लेवल एडिटर बन जाएं? क्या आप चाहते हैं बड़े यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजी को समझना? क्या आप चाहते हैं? हाँ भाई हाँ, एक एवरेज बड़ा यूट्यूबर अपनी वीडियो में ये पांच चीजों को यूज करता है, या कह सकते हो इन पांच चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जिससे उनका वीडियो एकदम जेन्युइन वीडियो लगे और उससे बहुत सारी जेन्युइन बंदे इकट्ठे हो। तो बस ये पांच एडिटिंग ट्रिक सीख जाइए और आपको भी कोई बड़ा यूट्यूबर बनने से नहीं रोक सकता, आप खुद भी। अरे भाई साहब मुझे नहीं बनना बड़ा यूट्यूबर, वीडियो पे क्लिक किया ना अब तो तू बन के रहेगा। अरे भाई साहब ये क्या जबरदस्ती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ पॉइंट नंबर पांच। ब्रांडिंग। हर अलग अलग चैनल पर तुम्हें सेम टॉपिक पे सेम ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे, बट उनको यूनिक क्या बनाता है वो है उनकी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से मेरा मतलब है कि तुम्हारी वीडियो में तुम्हें देखे बिना ही वीडियो देखने वाला समझ जाए कि किसका वीडियो है। जैसे कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल आइकन, वो भी एक ब्रांडिंग ही है। अगर मैं उसे रोज रोज चेंज कर दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे कि तुम्हारा चैनल आइकन ब्रांडिंग है, इसी तरह से तुम्हारा बैकग्राउंड, लोकेशन, ये सब तुम्हारा ब्रांडिंग में ही आ जाता है। बट हम बात कर रहे हैं एडिटिंग से तुम कैसे ब्रांडिंग बना सकते हो। तो फॉन्ट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब तुम्हें हर वीडियो में सेम रखना होगा, जिससे तुम्हारी एक यूनिक पहचान बन जाए। जैसे कि तुम अपना एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लो और हर वीडियो में सेम वही फॉन्ट रखो, जैसे कि मैं थंबनेल्स में करता हूं, या फिर वीडियो में जो तुम एलिमेंट्स और ग्राफिक यूज करते हो उनको सेम रखना। जैसे कि लक्ष्य की हर वीडियो में हम बैकग्राउंड को ब्लर यूज करते हैं और ये बहुत ही एक सिंपल इफेक्ट है, बट इससे तुम्हारी एक यूनिक पहचान बन जाती है वीडियो की, अगर तुम इसको हर वीडियो में डालना शुरू कर दो। और ये इफेक्ट इसलिए भी अच्छा है अगर तुम्हारे पास एक वर्टिकल वीडियो है और उसे तुम्हें यूट्यूब के में डालना है। तो ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल इफेक्ट है, लेकिन उसके लिए तुम्हें डुप्लीकेट करना होगा क्लिप को, उसको नीचे ले जाना होगा लेयर पे, उस पे गॉजन ब्लर डालना पड़ेगा। बट ये काम तुम वंडरशेयर फिल्मोरा में सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हो, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला। तो तुम्हारी सिंपल क्लिप टाइमलाइन पर है और तुम्हें सिर्फ इफेक्ट्स में जाकर बेसिक ब्लर सर्च करना है और इसको इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, बस। और तुम्हारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया। इतने सालों से मैं इस चीज को गलत करता आ रहा हूं। अब ब्रांडिंग में तुम्हारा सब कुछ आ सकता है, जैसे कि कलर ग्रेडिंग भी। मैं अपने चैनल की वीडियोस रखता हूँ थोड़ी कलरफुल, पिंक या पर्पल टोन में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स थोड़ा सा डार्क और सिनेमैटिक रखते हैं वीडियो को, तो ये भी तुम्हारी एक वीडियो की यूनिक पहचान हो जाती है। कलर ग्रेडिंग के अलावा भी तुम ग्राफिक्स और उसके भी कलर सेम रख सकते हो, जैसे कि बियर बाइसेप का है ब्लैक एंड येलो, और तुम हर ग्राफिक में उसी कलर स्कीम को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये माउस है, अब मैं यहाँ पर एक ग्राफिक लगा दूंगा और ये देखो मोशन ट्रैक भी कर रहा है। ये भी तुम इजीली कर सकते हो, फिल्मोरा में जाओ, यहाँ पर तुम्हें मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको तुम यहाँ से इनेबल करो, इस बॉक्स को ले जाओ अपने ऑब्जेक्ट की तरफ और ये इसे ऑटोमेटिकली ट्रैक कर देगा, तो तुम्हें की फ्रेम्स लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम टाइटल वाली टैब में जाओ और जो भी तुम्हें ग्राफिक अच्छा लग रहा है उसको यहाँ से फेवरेट कर लो। उससे क्या होगा, तुम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो तुम यहाँ से उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और वो हमेशा वो ही रहेगा। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज है कि तुम्हें प्री मेड सब कुछ मिल जाता है। Don't use GIFs. मैंने देखा है बहुत लोग अपनी वीडियोस में GIFs का यूज करते हैं, अब चाहे वो वीडियो हो या व्लॉग्स हो, अगर वीडियो में कहीं गेम बोल दिया तो उसका GIF लगा दिया। बट GIFs के साथ मुझे एक ही दिक्कत है, GIFs होती हैं बहुत ही लो क्वालिटी और जब तुम उसको स्केल करके लगा देते हो YouTube वीडियो पे तो वो कितनी भी प्रोफेशनल वीडियो हो वो पूरा का पूरा मजा खराब कर देती है वीडियो का। तो इससे अच्छा तुम ग्राफिक्स या टेक्स्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिक्स और टेक्स्ट तुम्हारे टाइमलाइन के सीक्वेंस के रिजोल्यूशन से बनाई जाती है। अगर तुम्हारी 1080p वीडियो है तो तुम्हारा टेक्स्ट या फिर ग्राफिक जो तुमने यूज किया है वो भी 1080p होगा। तो इससे अच्छा यूज करो एलिमेंट्स, वो भी फिल्मोरा से, क्योंकि यहां पर तुम्हें हाई क्वालिटी पे सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है वो तुम यहां पर सर्च कर सकते हो और उसे फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो सिंपल, जैसे कि ये एरो या फिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल, कुछ भी। तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे और यहाँ पर तुम्हें इतने सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे कि तुम स्क्रॉल करते करते थक जाओगे। तो जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है उसे फेवरेट कर लो और वो तुम्हारी फेवरेट टैब में आ जाएंगे, तो तुम उसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। मेक इंट्रो एंगेजिंग। इंट्रो हमेशा थंबनेल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद भी अगर बंदा उस वीडियो पर नहीं रुक रहा तो या तो उसके इंट्रो में कमी है या तुम्हारी तो मुंह धोकर और वीडियो के इंट्रो को अच्छे से सोच लो, थोड़ा स्टोरी टेल करने की कोशिश करो कि तुम क्या बताने वाले ऑडियंस को या फिर उन्हें क्या देखने को मिलने वाला है। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ पांच ट्रिक्स
जो बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए। तो अगर आप भी ये वायरल ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें। तो चलिए चलते हैं 5 ऐसी ट्रिक्स की तरफ जिसमें यूट्यूबर्स अपनी वीडियो को वायरल कैसे करते हैं उसका तरीका लिखा हुआ है। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, मैं ऐसी 5 ट्रिक्स निकाल के लाया हूं जिसमें से पहली ट्रिक ये है, ट्रिक नंबर 1। तो यूट्यूबर्स अपनी वीडियो को कैसे वायरल करते हैं, ये नंबर 1 ट्रिक है जो कोई नहीं बताता, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए पहले कमेंट्स कर दीजिए भाई जिंदाबाद। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक नंबर 1, ये बिल्कुल मत करो। पहले व्यूअर्स जिस चीज के लिए आए हैं तुम उन्हें वो बता दो, उसके बाद तुम लाइक और सब्सक्राइब के लिए कह सकते हो। और अगर सही में तुम्हारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो उन्हें वो कहने की भी जरूरत नहीं। अगर तुमने 8-10 मिनट की वीडियो में 5 मिनट सिर्फ यही बातें बोलने में निकाल दी तो उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन ही खराब हो जाएगा। सबसे सिंपल है, 30 सेकंड का इंट्रो बना लो और वो भी बहुत ही एंगेजिंग, और उसके बाद सीधा पॉइंट पे आ जाओ, मतलब सीरियल वाला एडिट कर दो पूरा। जैसे कि मैंने इस वीडियो का इंट्रो बनाया है वो भी फिल्मोरा में, और यहाँ पर मैंने ये स्प्लिट स्क्रीन वाला इफेक्ट यूज किया है वो भी सिर्फ 2 क्लिक में। और सिर्फ यही वाले नहीं, फिल्मोरा में तुम्हें और भी बाकी स्प्लिट स्क्रीन वाले इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें जाना है यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन पर, और यहाँ पर तुम्हें ये बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने यूज करा था पेपर वाला इफेक्ट, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा आ रहा है, और मैं सीधा क्या करूंगा यहाँ पर अपनी क्लिप को 1 पे ड्रॉप करूंगा, ये यहाँ पर आ गई, 2 पे ड्रॉप करूंगा ये यहाँ पर आ गई, 3 पे ड्रॉप करूंगा ये यहाँ पर आ गई, और फिर मैं इसको एडजस्ट जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। सिंपल। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो का इंट्रो बनाया है, यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी फेवरेट टैब दिखा दूंगा, मैंने सारे इफेक्ट यहाँ पर डाल रखे हैं, तुम भी इनको सेव कर लो और तुम भी यूज कर सकते हो। अब जैसे ये साफ थे, इनकी तरह बातों को रिपीट मत करो। अगर कुछ बात रिपीट हो रही है तो उसे ट्रिम कर दो। जो तुम रिकॉर्ड कर चुके हो उसमें जरूरी नहीं कि हर बात आनी चाहिए वीडियो में। ट्राई करो जितना बात को कम शब्दों में समझा सको उतना बेहतर है, और रिकॉर्ड होने के बाद तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो तुम उसे ट्रिम कर सकते हो इजीली। अब मैं कैसे करता हूं ट्रिम, मैं देख लेता हूं ऑडियो लेवल्स, और बीच में जितने भी साइलेंट गैप होते हैं मैं सब हटा देता हूं, मतलब उनको ट्रिम कर देता हूं, गैप बिल्कुल नहीं रखता बीच में। अब जब बीच में गैप नहीं होता तो सारी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी तुम्हारे अंदर रैप की तरह चली जाती है, और आजकल के टाइम पे लोग भाग 2x में वीडियो देखने लगे हैं भाई, तो जल्दी तो तुम्हें पेस रखना पड़ेगा वीडियो का। और उसके बाद वीडियो में लग जाते हैं हार्ड कट जो कि बहुत ही कभी-कभी अजीब लगते हैं, तो उनमें मैं डाल देता हूं कैन बर्न। सिंपल शब्दों में बोले तो जूम इन जूम आउट। इसके लिए भी एक सिंपल और इजी ट्रिक है, फिल्मोरा की टाइमलाइन में अपनी एक वीडियो को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहां पर तुम्हें क्रॉप टूल के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाओ और तुम्हें साइड में दिख रहा है पैन एंड जूम, उसके बाद इन 4 ऑप्शन को यूज करके तुम बिना की फ्रेम के जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें यहां पर करके दिखा देता हूं, मुझे इस चीज पे जूम इन करना है तो मैं यहां पर इसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड डन। और यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर प्री बिल्ड सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि टेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इफेक्ट्स, तो तुम सब कुछ यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। थीम एडिटिंग, इसका मतलब क्या है, अब हर वीडियो को थोड़ा यूनिक और हटके बनाना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तुम ये कह सकते हो जिस टॉपिक पर वीडियो है उसी से रिलेटेड उसमें एडिटिंग करो। बताता हूँ कैसे। जैसे कि मेरा एक ये वीडियो था फ्री वीडियो सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ पर मनी रिप वाला ट्रांजिशन यूज किया है, या फिर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था AI से रिलेटेड, तो तुम्हारा भी अगर कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक नियॉन या फिर AI से रिलेटेड वीडियो है तो तुम वहां पर ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, जैसे कि ग्लिच ट्रांजिशन, ग्लिच टेक्स्ट यूज कर सकते हो, तुम यहाँ पर तुम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर किया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक वीडियो में सब चीज ना डालकर तुम उस वीडियो को थीम बेस बनाने की कोशिश करो। जैसे कि तुम कोई व्लॉग बना रहे हो, मान लो वाटर पार्क का व्लॉग है, तो तुम उस व्लॉग के लिए वाटर ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, या फिर कोई टेक्स्ट के लिए लिक्विड इफेक्ट यूज कर लिया। इन सब चीजों से तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और यूजर एंगेज भी रहता है। और हां, इन सबको तुम्हें अलग अलग जगह से ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाना है अपनी फिल्मोरा वाली टैब्स में टाइटल, इफेक्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनमें सर्च कर लेना है वाटर, यहां पर आ गया, और इसको तुम इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और तुम्हारा काम खत्म। या फिर तुम्हारा कुछ अलग तरह का व्लॉग है तो तुम इस वाली टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। तो मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था और मैं वंडरशेयर की वेबसाइट पे गया, मैंने देखा इनका एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, यूज करो वेपर वेव एलिमेंट्स और बनाओ समथिंग कूल और सोशल मीडिया पर शेयर करो यूजिंग हैशटैग क्रिएट विद वंडरशेयर। यहाँ पर तुम जीत सकते हो $200 और उनके साथ काम करने का मौका भी, तो जाओ पार्टिसिपेट करो। तो ये थी मेरी 5 एडिटिंग ट्रिक्स जो मैं तुम्हें दे सकता था। अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में उन्हें डालो यार, और लोगों को भी पता लगे।